बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले जो है हमने एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट वन और पार्ट टू किया था, अभी हम पार्ट थ्री करेंगे। पार्ट थ्री जो दिया गया है 0.678 इंटू 9.01 ओवर 0.0234। सबसे पहले इसी को उसी तरह जैसे पहले क्वेश्चन को किया था लेट कर लें, किसके इक्वल, एक्स के इक्वल। दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 ओवर 0.0234। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड हम यहाँ लिखेंगे जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड्स का हम लॉग ले लेंगे, तो ये बन जाएगा जी लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 ओवर 0.0234। अब लॉग का रूल अप्लाई करना है। लॉग का रूल क्या होता है कि अगर लॉग के सामने दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके दरमियान में प्लस आ जाएगा, और अगर डिवाइड हो रही तो माइनस। तो यहाँ दोनों रूल्स अप्लाई होने हैं। देखें जी, लॉग 0.678 ये मल्टीप्लाई था तो यहाँ प्लस आ जाएगा लॉग 9.01, फिर ये डिनोमिनेटर है डिवीजन में आगे वैल्यू, माइनस लॉग 0.0234 जी। अब बड़ा अहम मरहला कि आपने करेक्टर लगाने हैं, और करेक्टर आपने मैनुअल लगाने हैं। वैसे तो ये उसके कैलकुलेटर से भी हो सकते हैं। देखें, जब इस पॉइंट ने आना है यहाँ फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, पॉइंट ने कहाँ आना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद एक डिजिट मूव हुआ है तो इसका करेक्टर क्या आ गया, वन। अगर ये लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट गया है तो माइनस आ जाएगा, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आता तो पॉजिटिव होता। तो इसका मेंटीसा क्या है वो हम बाद में कैलकुलेटर से लिख लेते हैं, पहले हम सबके करेक्टर लिख लेंगे। प्लस इसी तरह ये 9.01, इसका पॉइंट पहले से वहीं मौजूद है जहाँ होना चाहिए, जो हमारी रेफरेंस पॉइंट जो होता है, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद ही है, तो इसका करेक्टर क्या आ जाएगा जी, ज़ीरो। इसी तरह ये माइनस जो थर्ड वैल्यू है, इसमें देखें इस पॉइंट ने यहाँ से यहाँ फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद शिफ्ट होना है, तो एक दो दो डिजिट मूव हुआ है तो इसका करेक्टर दो आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ गया है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब आते हैं इसके मेंटीसा की तरफ। मेंटीसा के लिए आप जो है लॉग टेबल जो है उससे भी कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर की मदद से करना है तो पहले आप देखें जी, लॉग लिखें, वैल्यू है आपके पास 678, तो बगैर पॉइंट्स का वैल्यू लिखें 678 और ये इक्वल का बटन प्रेस कर दें। क्या वैल्यू है जी, 2.8312। पॉइंट से जो पहले वाली वैल्यू है उसको इग्नोर कर दें, बाकी वाले चार फिगर लिख लें, तो वो आ गया जी 0.8312। इसी तरह जब हम दूसरी वैल्यू 901 का लेंगे तो हम जी ये देखें लॉग 901 इसको इक्वल कर दें तो ये आ गया जी 0.9547। इसी तरह इसका पॉइंट को भी इग्नोर कर दें, ये ज़ीरो को भी इग्नोर कर दें, 234 का ले लें जी लॉग 234, तो ये आ गया जी हमारे पास 0.3692 जी। अब जो है जो ये जो करेक्टर होता है और मेंटीसा आपस में ऐड हुए होते हैं, हम इनको आइसोलेट भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, और स्टेप भी हमने करना है कि इस जो है करेक्टर को अलहदा कर दें और मेंटीसा को इस तरह अलहदा लिख दें, ये साथ पॉइंट भी डाल सकते हैं आप। ये ऐसे जैसे हमारे पास वैल्यू लिखी होती है 1.7, हम कहते नहीं जी 1+0.7 बात एक ही है, तो हमने करेक्टर अलहदा कर दिया प्लस मेंटीसा। इसी तरह यहाँ तो पहले करेक्टर है ही नहीं, ज़ीरो है, तो मेंटीसा इसको डायरेक्ट वैसे लिख दें, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर माइनस टू है तो यहाँ माइनस है तो आप पहले ब्रैकेट लगा लें, प्लस ये 0.3692 यहाँ लिख लें। अब अगले स्टेप में ये जो ऊपर बार दिया गया एक्चुअली ये माइनस है, तो हम इसको इसके सामने ले आएंगे, इसको लिख देंगे जी हम क्या लिखेंगे जी, देखें ज़रा, ये -1 प्लस
83112 प्लस 0.9547 माइनस, इसको नीचे उतारें, ये माइनस 2 प्लस 0.3692 हो गए। अब जी ये माइनस 1 प्लस 0.83112 प्लस 0.9547, ये ब्रैकेट हटाएंगे, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 0.3692। जी अब हम जो है इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें क्या बाकी सब में ऐसा करेंगे, करेक्टर्स को अलहदा कर दें, मेंटिसाज को अलहदा कर दें। अब देखें इसमें क्या क्या हमारे पास करेक्टर हैं, एक तो था जी इस साइड पे तो था लॉग एक्स, ये माइनस 1, उसके बाद ये तो 0 था लिखने की ज़रूरत नहीं, ये करेक्टर है जी, ये प्लस 2। अब मेंटिसाज को अलहदा लिख दें जी, प्लस 0.8312 प्लस 0.9547 माइनस 0.3692, ये वैल्यू ज़रा माइनस 0.3692। अब इनको सिंप्लीफाई करें, ये प्लस 2 है, ये माइनस 1 है, ये 1 बच गया। अब इन दो को ऐड करें, उसको माइनस कर लें, देखते हैं जी हमारे पास ये 0.8312 प्लस 0.9547 माइनस 0.3692, और ये हमारे पास इनका जो आंसर आया 1.4167। अब इसमें 1 ऐड करें तो ये बन जाएगा 2.4167, दैट इज़ log x, बट हमें तो x की वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे जी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों का एंटी लॉग ले लें, तो हम लिख देंगे यहाँ एंटी लॉग किसका जी, log x का, इस साइड पे भी एंटी लॉग किसका, 2.4167 का, एंटी लॉग से लॉग कट जाएगा, यहाँ एक्स बच गया, इज इक्वल टू, अब जो हमारे पास वैल्यू आई है, अगर तो आप इसको मैनुअल करना चाहते हैं तो आप जो लॉग टेबल दी गई है उसमें पहले अब इस कैरेक्टर को छोड़ देंगे, 0.41 को देखेंगे कॉलम 6 में और मीन डिफरेंस 7 वाले कॉलम वाली वैल्यू उसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो वेरी सिंपल, जस्ट आप शिफ्ट लॉग दबाएँ और लिख दें जी 2.4167 और इक्वल टू प्रेस कर दें, तो ये हमारे पास आ गया जी 261.03, हम लिख देंगे जी 261.0, दैट इज़ योर आंसर।